उज्जैन में सप्त सागरों के लिए साधु संतों ने धरना प्रदर्शन करे हुए 7 दिन हो गए हैं और इस धरने में अब भाजपा और कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होने लगे हैं। जन सहयोग से आज गौतम सागर का श्रमदान शुरू हुआ है और श्रमदान में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन एवं सांसद अनिल सिरोहिया और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सप्त सागर को साफ करने के लिए जन सहयोग से राशि एकत्रित की जा रही है और उज्जैन में सप्त सागरों की दुर्दशा को देखते हुए षट दर्शन साधु समाज के संतों ने गौतम सागर पर धरना प्रदर्शन किया था और 7 दिन से जिला प्रशासन ने सप्त सागर से अतिक्रमण हटाने और शुद्ध जल श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने के लिए धरना दे रहे हैं। 7 दिन से जिला प्रशासन से सप्त सागर से अतिक्रमण हटाने और शुद्ध जल श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने के लिए धरना दे रहे थे और इस धरने में भाजपा कांग्रेस एवं अन्य समाज के लोग भी शामिल होने लगे हैं। आज जन सहयोग से गौतम सागर का श्रमदान शुरू किया गया और श्रमदान में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं सांसद अनिल सिरोहिया विधायक पारस जैन सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। सबसे खास बात तो यह रही कि सप्त सागर को साफ करने के लिए मुस्लिम समाज ने भी सहयोग की राशि दी है। मंत्री सांसद द्वारा गौधन सागर स्थित भूमि गौधन जी की और हनुमान जी के पूजन अर्चन के बाद गौधन सागर पर श्रमदान किया गया। साथ ही मंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1,11,000 रुपए की राशि, साथ ही सांसद अनिल सिरोहिया ने 51,000 रुपए, साथ ही विधायक पारस जैन ने 51,000 रुपए की राशि सहयोग के लिए साधु संतों को दी है और इसके अलावा जन सहयोग के माध्यम से 1,00,000 रुपए की राशि एकत्रित की जा रही है और यह राशि एकत्रित कर गौतम सागर को साफ किया जाएगा। कितना सफाई होती है ये हम लोग सब प्रयास करें, जल्दी से जल्दी इसमें सफलता मिले, सभी लोगों का इसमें जो है सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो है अभी बैठे हैं संत समाज उज्जैन। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जल संरचनाओं के कारण से उज्जैन जाना जाता था, आज गोवर्धन सागर विकास के लिए संतों का रामादल अखाड़ा परिषद ने जो अभियान चलाया था, मैं माननीय सांसद विधायक जी कांग्रेस के नेता बाकी समाज के नेता मुस्लिम समाज के नेता सब लोगों ने मिलकर के हमने संकल्प किया है कि हम ये गोवर्धन सागर के जीर्णोद्धार में मदद करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि इस अभियान का समाज के माध्यम से पूरा करेंगे और जो व्यवधान आ रहा है उसको भी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।